दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कमलेश उपाध्याय हरिपुरी। आज की कहानी का शीर्षक है निरहंकारिता। कहानीकार हैं डॉक्टर भोलागत जोशी। सुनते हैं आज की कहानी। पॉल प्रथम के ज्येष्ठ पुत्र अलेक्जेंडर रूस के राजा थे। उन्होंने 1801 से 1825 के बीच रूस में राज्य किया था। इनका जन्म 23 दिसंबर 1777 को सेंट पीटरबर्ग में हुआ था। उन्होंने अपने 25 साल के शासन काल में देश को बेहतर शासन देने की कोशिश की थी। वे अपने देश की असली हालात जानने के लिए वेश बदलकर पैदल घूमा करते थे और लोगों से उनकी समस्याएं समझते थे। शासन और जनता के बीच सामंजस्य और विश्वास स्थापित करना उनका लक्ष्य था। एक दिन वे घूमते हुए नगर में जा पहुंचे। उन्हें रास्ता ठीक से मालूम न था। राजा रास्ता पूछने के लिए किसी सही व्यक्ति की तलाश में थे। वे इधर उधर देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उन्हें मार्ग की विपरीत दिशा में खड़ा एक हवलदार दिखाई दिया। राजा हवलदार के पास जाकर पूछने लगे, गिरजाघर जाने के लिए मुझे रास्ता बताइए। हवलदार बड़ी ऐंठ में बोला, मूर्ख, तुझे दिखता नहीं क्या? मैं सरकारी मुलाजिम हूं, रास्ता बताने का काम मेरा थोड़े ही है। चलो हटो, रास्ता ना पूछ, किसी और आदमी से पूछ ले। राजा ने फिर से एक बार नम्रतापूर्वक पूछा, सरकारी आदमी भी तो किसी भटकते राही को रास्ता बता ही सकता है ना, रास्ता बताने में हर्ज क्या है भाई? ठीक है, मैं किसी और व्यक्ति से पूछ लेता हूं। अब इतना तो बताते जाओ कि कौन से पद पर काम करते हो। हवलदार ने और अधिक ऐंठन भरी आवाज में जवाब दिया, अंधा है क्या? मेरी वर्दी तुझे दिखती नहीं? वर्दी देखकर अंदाजा लगा ले कि मैं कौन हूं। अलेक्जेंडर बोले, शायद आप सिपाही के पद पर हैं। वह बोला, नहीं भाई, इससे ऊंचा पद। राजा बोला, तो क्या नायक हो? हवलदार बोला, मैं उससे भी ऊंचे पद पर हूं। राजा ने पूछना जारी रखा। अलेक्जेंडर बोले, हवलदार हो क्या? हवलदार ने कहा, हां, अब तो तुझे पता चल ही गया कि मैं किस पद पर कार्यरत हूं, लेकिन यह तो बता कि इतनी पूछताछ किस लिए कर रहा है? क्या मतलब है तेरा? तू कौन है? राजा सरलता से बोले कि मैं भी सरकारी काम करता हूं। यह सुनते ही हवलदार की ऐंठ थोड़ी कम हुई। हवलदार अविलंब बोला, क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, उससे ऊंचा। हवलदार बोला, फिर क्या हवलदार हैं? राजा बोले, और उससे ऊंचा। हवलदार बोला, कप्तान हैं? अलेक्जेंडर ने कहा, उससे ऊंचा। हवलदार ने पूछा, सूबेदार हैं? राजा बोले, और उससे ऊंचा। हवलदार के पैरों के तले की जमीन खिसकने लगी थी। उसकी घबराहट बढ़ गई थी। उसने हिम्मत कर पूछा, तब आप मंत्री हैं? राजा ने कहा, अब बस एक सीढ़ी और बाकी है। हवलदार सब समझ गया था कि उससे गलती हो गई है। उसके सामने बादशाह सादे वेश में खड़े थे। वह गिड़गिड़ाकर राजा के पैरों पर गिर पड़ा और अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। राजा ने मधुर स्वर में कहा कि मनुष्य पद की दृष्टि से जो भी उसे व्यवहार की कसौटी पर खरा होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, यदि सही अर्थ में ऊंचा बनना चाहते हो तो पहले अच्छे मनुष्य बनो,
विनम्रता धारण करो, सहन शक्ति बढ़ाओ, व्यवहार में ऐंठ को कम करो और बोलचाल में थोड़ा मीठापन लाने की कोशिश करो। तुम जन सेवक हो, अतः तुम्हें यह सब करना ही चाहिए। राजा ने हवलदार को समझाकर छोड़ दिया और कोई दंड नहीं दिया। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने व्यवहार में मधुरता, सरलता और अपनेपन को शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि मानवीय गरिमा की सबसे बड़ी कसौटी अहंकारहीनता और नम्रता है। यदि हम अहंकार को अपने से दूर रख सकें तो स्वयं को पहचानते हुए ईश्वर तक जाने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।